कुदरत का करिश्मा यानी बारिश और साथ में अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं सुरक्षा हाजिर हूं आपके सामने त्योहारों की अपडेट्स को लेकर। भारत देश में समय समय पर मेलों और त्योहारों का सिलसिला चला रहता है। भारत के मेले एवं त्योहार इतिहास के परिचायक है। इतिहास से जुड़ा ऐसा ही एक पर्व है हरितालिका तीज, जो सुहागिन महिलाओं के लिए तो विशेष है, साथ ही विवाह योग्य युवतियों के लिए भी खास है। आइए जानते हैं क्या विशेषता है इस पर्व की। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जल रहकर व्रत धारण करती हैं। वहीं कई जगह पर विवाह योग्य युवतियां भी मनवांछित वर की कामना करते हुए हरितालिका तीज का व्रत धारण करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत बेहद कठिन होता है। इसे उत्तर भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह शुभ पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य भक्ति रस और प्रेम को समर्पित है। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिससे व्रत धारण करने वाली महिलाओं को निश्चित तौर पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये तो रहा हरितालिका तीज का क्या महत्व है और महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले व्रत किसके प्रति समर्पित हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पर्व का नाम हरितालिका तीज क्यों पड़ा और इस वर्ष ये पर्व कब मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह हमेशा भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। यह देखकर पार्वती की सहेलियां उनका हरण करके उन्हें गहरे जंगल में ले गई, जहां माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिससे हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का मतलब सहेलियाँ, जबकि तीज का अर्थ तृतीया से है, इसलिए इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाने लगा। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को धारण किया जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष हरितालिका तीज का पावन पर्व 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कार्यक्रम में फिलहाल अभी इतना ही। इस तरह की जानकारियों को जानने के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।